1 अगस्त 2022 से वोटर आईडी कार्ड को आधार से लिंक करना यहाँ पर जो सभी को अनिवार्य कर दिया गया था, और आज यहाँ पर 2 महीने से अधिक यहाँ पर होने को है, लेकिन अभी तक यहाँ पर किसी का वोटर आईडी कार्ड में आधार यहाँ पर जो है लिंक नहीं हुआ है। तो दोस्तों, आप यहां पर कैसे पता करेंगे कि आप यहां पर वोटर आईडी कार्ड में आधार लिंक हुआ है या फिर नहीं हुआ है? क्या दोस्तों आप लोगों को दोबारा से यहां पर लिंक करना पड़ेगा? मैं आपको इस वीडियो में एक तरीका भी बताऊंगा जिससे कि आप यहां पर पता कर सकते हैं कि आपका यहां पर लिंक हुआ है या फिर नहीं हुआ है, और क्या यहाँ पर आप लोगों को कितने दिनों के अंदर यहाँ पर जो लिंक हो जाएगा अगर आपके यहाँ पर अभी तक नहीं हुआ है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी तरह अपडेट मिलती रहे। दोस्तों, सबसे पहले आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा nbsp.in पर, और यहाँ पर स्टेटस चेक करना बिल्कुल आसान है। सिंपली आपको यहाँ पर नीचे आना है, यहाँ पर आपको ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस वाला ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इस वाले ऑप्शन पर आप यहाँ पर सिंपली क्लिक करेंगे, एक पेज यहाँ पर रिडायरेक्ट करके इस तरीके से लोडिंग लेगा। सिंपली आपको अपना अपना स्टेट चूज करना है कि आपके यहाँ पर कौन सा राज्य है। उनके बाद जो भी आपको रेफरेंस आईडी मिला होगा वो रेफरेंस आईडी आप यहां पर डाल करके ट्रैक वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ट्रैक वाले ऑप्शन पर आप यहां पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको पूरा स्टेटस देखने को मिल जाता है। जैसे कि यहां पर हमारा देख पा रहे कि सबमिटेड देखने को मिल पा रहा है, लेकिन यहां पर अगला स्टेप बड़ा ही नहीं है। यहां पर आपको एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट देखने को मिलता है। अगर आपका एक्सेप्ट देखने को मिल जाता है तो समझिए आपके यहाँ पर लिंक हो चुका है, कोई भी दिक्कत नहीं। नीचे आपको पूरा डिटेल वगैरह देखने को मिल जाता है। तो ये तो हो गई दोस्तों, इस तरीके से आप अपने यहाँ पर जो स्टेटस चेक कर सकते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे कैसे आप यहाँ पर ये पता कर सकते हैं क्या आपका यहाँ पर लिंक हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो दोस्तों, वो क्या तरीका है चलिए आपको बताते हैं। आपका वोटर आईडी कार्ड आधार से लिंक हुआ है या फिर नहीं हुआ है ये पता करने के लिए आपको सबसे पहले वापस इन्हीं के पोर्टल पर आ जाना है, और यहाँ पर आपको जो है लॉगिन होना होगा। लॉगिन होने के लिए आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो लॉगिन एंड रजिस्टर वाला ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इस वाले ऑप्शन पर आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर देखिए यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पर डालने के लिए बोला जाएगा। आपके पास पहले से यहाँ पर यूजर नेम पासवर्ड बना हुआ है तो सिंपली अपने यहाँ पर यूजर नेम जैसे कि मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पासवर्ड, और यहाँ पर आपको कैप्चा डाल करके लॉगिन वाले ऑप्शन पर डाल करके आप यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। जिनके यहाँ पर लॉगिन आईडी यहाँ पर पासवर्ड नहीं बना हुआ है तो नीचे आपके यहाँ पर डोंट हैव अकाउंट रजिस्टर एज अ न्यू यूजर, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपने यहाँ पर अकाउंट बना लेंगे। अकाउंट बनाने के बाद तब जाकर के आप यहाँ पर दोबारा से यहाँ पर जो लॉगिन कर सकते हैं। दोस्तों, हमने यहाँ पर यूजर नेम और पासवर्ड हमने यहाँ पर कैप्चा को फिलअप कर दिया है। सिंपली हम यहाँ पर लॉगिन वाले ऑप्शन पर हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर हम जैसे क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पर NBSP के पोर्टल पर हम यहाँ पर जो इस प्रकार लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद आपके सामने बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। यहाँ से आप यहाँ पर डाउनलोड ईएपिक वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपना वोटर आईडी कार्ड को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि कैसे आप यहाँ पर चेक करेंगे कि आपका वोटर आईडी कार्ड में आधार यहाँ पर लिंक हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो सिंपली आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप इनको यहाँ पर डेस्कटॉप साइट में इनको यहाँ पर ऑन कर लेंगे। यहाँ पर आपको डेस्कटॉप साइट का ऑप्शन मिल जाता है, इस वाले ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे उनके बाद यहाँ पर आप साइड में देखेंगे तो 3 लाइन वाला एक ऑप्शन देखने को मिलता है मेनू वाला, इस वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर जूम करना है, यहाँ पर देखिए साइड में एक डैशबोर्ड करके ऑप्शन आएगा, इस वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर पूरा डिटेल यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपने जितने भी बार आपने यहाँ पर वोटर आईडी कार्ड को आधार से लिंक किया होगा है, जिसका जिसका भी किया होगा उनका, यहीं पर आपको रेफरेंस नंबर भी देखने को मिल जाएगा। अगर आप भूल गए हैं तो वो भी देखने को मिलेगा, और उनका यहाँ पर साइड में स्टेटस भी देखने को मिल जाता है कि आप यहाँ पर एक्सेप्ट हुआ या फिर रिजेक्ट हुआ या पेंडिंग, ये तीनों आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। अगर आपके यहाँ पर एक्सेप्ट देखने को मिल जाता है समझिए आपके यहाँ पर लिंक हो चुका है। आपका स्टेटस में भले वहाँ पर नहीं देखने को मिले लेकिन यहाँ पर एक्सेप्ट देखने को मिल जाता है, वही रेफरेंस आईडी देखने को मिलता है, तो समझिए आपके यहाँ पर लिंक हो चुका है। क्योंकि जब आप अपना स्टेटस चेक करते हैं ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस वाले ऑप्शन पर, वहाँ पर भी आपको एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट ही देखने को मिलता है। इस प्रकार यहाँ पर जो एक ही तरीका आप यहाँ से पता लगा सकते हैं कि आपका वोटर आईडी कार्ड में आधार लिंक हुआ है या फिर नहीं हुआ है। किन्हीं किन्हीं का हो सकता है यहाँ पर कुछ भी देखने को ना मिले, तो उन लोगों को क्या करना होगा, उन लोगों को यहाँ पर कोई उपाय नहीं है, आप लोगों को बस इंतजार करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोगों का यहाँ पर जो वोटर आईडी कार्ड से यहाँ पर जो आधार लिंक नहीं हुआ है, तो आप लोग बार बार अपने यहाँ पर जो स्टेटस चेक करते रहें।
दोस्तों वोटर आईडी कार्ड को आधार से लिंक होने में हो सकता है कि आप लोगों को और भी यहाँ पर एक दो महीने लग जाए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सिर्फ आप ही के यहाँ पर लिंक नहीं हुआ है, पूरे इंडिया में यहाँ पर जब वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से यहाँ पर लिंक कराया गया है ऑफलाइन के माध्यम से, अभी भी यहाँ पर अलग अलग स्कूल कॉलेजों में यहाँ पर जो चल ही रहा है, तो इस प्रकार अभी यहाँ पर जो डाटा कलेक्ट ही हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के यहाँ पर जब वोटर आईडी कार्ड में आधार लिंक हुआ है तो इतना पॉसिबल नहीं है कि इतना जल्दी यहाँ पर लिंक हो पाए, तो इनमें आपको टाइम लगेगा, समय यहाँ पर जो लग सकता है। आप लोग यहाँ पर जो लगातार अपना स्टेटस चेक करते रहिए। साथ ही दोस्तों जैसे हमें यहाँ पर इसको लेकर के कोई भी अपडेट आता है लिंक को लेकर के, तो मैं आपको जरूर इसी चैनल के माध्यम से सबसे पहले यहाँ पर जो अपडेट देने की कोशिश करूंगा। तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही बेल आइकन घंटी को भी दबा दीजिए, जिससे कि मैं यहाँ पर जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपको सबसे पहले यहाँ पर जो नोटिफिकेशन मिल जाए।